जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और MI-17 हेलीकॉप्टर हमलावरों के निशाने पर थे। CCTV फुटेज सामने आया। जम्मू में धमाके के पीछे ड्रोन की साजिश का खुलासा। एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही ड्रोन उड़ाने का शक। NSG और दूसरी एजेंसियां जांच में जुटी। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन में 5 किलो TNT बम और दूसरे ड्रोन में हल्का बम था। एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के मामले में UAPA के तहत केस दर्ज। NIA ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी संगठनों की मदद से आरोप पूछताछ जारी। एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। 2 जवानों को हल्की चोट आई। एक बिल्डिंग की छत को नुकसान हुआ। NIA मामले की जांच कर रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले के बाद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने धमाके में घायल दोनों जवानों से फोन पर बात की। वायुसेना प्रमुख भदौरिया फिलहाल बांग्लादेश में है। जम्मू धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बातचीत की। जम्मू हमले पर AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले, सरकार को इस पुलवामा जैसा हमला मानकर उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 5 किलो IED के साथ एक आतंकी गुप्त गिरफ्तार किया। ABP न्यूज से बोले DGP दिलबाग सिंह, भीड़भाड़ वाले इलाके में थी धमाके की साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। चीन से सीमा विवाद के बीच LAC पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। केंद्र सरकार से चल रही तनातनी के बीच फिर सुर्खियों में है ट्विटर। भारत के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने कुर्सी छोड़ी। नए IT नियम के तहत कुछ दिन पहले ही हुई थी अधिकारी की नियुक्ति। UP में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। ओवैसी बोले, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन है, किसी और से कोई बात नहीं। UP में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी BSP। पार्टी प्रमुख मायावती ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज किया। संबल से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल का बेतुका बयान। कहा, अनुसूचित जाति और आदिवासी गरीब लोग बढ़ाते हैं जनसंख्या। UP में मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कवायद में जुटी है कांग्रेस। स्पीक अप माइनॉरिटी अभियान शुरू किया। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम बोले, अब तक करीब 2 लाख मदरसों से संवाद किया जा चुका है। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर हमला। कहा, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो CM बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के 48 विधायक हैं और कांग्रेस के 5, लेकिन सदन में आंख डालकर सवाल पूछना हो तो कांग्रेस के विधायक ही पूछते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी गाना और नारा जारी किया। गाने में कोरोना काल में पार्टी की ओर से लोगों की मदद को दर्शाया गया है। अखिलेश ने वीडियो शेयर किया। अयोध्या में शिवपाल यादव ने BJP को सत्ता से बाहर करने के लिए दिया नया गुरु मंत्र। कहा, गैर BJP पार्टियां एकजुट होकर BJP को हरा सकती हैं। UP के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश पर बोला हमला। उन्हें लाल टोपी वाला अफवाहबाज करार दिया। कहा, प्रदेश में योगी जी की आंधी चल रही है। झांसी में UP के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बिगड़े बोल। अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर अभद्र टिप्पणी। कहा, वो बचकानी हरकतें करते रहते हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा, BJP के इशारे पर जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के प्रस्तावक और समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का शामिल होने से इनकार। वापस अपनी गाड़ी में बैठे सांसद DM और SP की उपेक्षा से खासे नाराज थे। अध्यक्ष गोविंद माधव के मनाने पर कार्यक्रम में शामिल हुए। और चलिए इसी तरह से कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। आपसी कलह के बीच पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अश्विनी सेखड़ी अकाली दल में शामिल होंगे। आज सुखबीर बादल चंडीगढ़ में औपचारिक ऐलान करेंगे।
गुजरात के सूरत में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कई पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हीरा कारोबारी महेश सवानी ने भी थामा आपका दम। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बैनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर चर्चा की उम्मीद। बैठक में सीएम ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना कम है। बंगाल में टीएमसी नेता मुकुल रॉय के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल कराने के लिए कृष्णा नगर पहुंचे थे। टीएमसी के पुराने कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी को बड़ा झटका। 37 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में हुए शामिल। एक नेता ने बीजेपी के नेताओं पर माफियाओं से मिलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने किया खारिज। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर जड़े कई गंभीर आरोप। बोले केंद्र सरकार राज्य के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बीजेपी का रवैया हमेशा से किसान विरोधी रहा है। एमपी के विदिशा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ली चुटकी। बोले नया मुल्ला बार बार नमाज पढ़ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू यादव पर निशाना। कहा लालू के शासन में लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार को चला रही थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चिराग पासवान को सलाह। कहा गोलवलकर के विचारों के खिलाफ खड़े होकर ही अपने पिता की विरासत को आगे ले जा सकते हैं चिराग। कोरोना की तीसरी लहर पर राहत की खबर। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा तीसरी लहर देर से आएगी। 6 से 8 महीने में पूरे देश को लग जाएगा टीका। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सुबह 11:30 बजे बैठक। कोरोना की दूसरी लहर की समीक्षा होगी। दिल्ली और पटना एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर आज से शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का होगा ट्रायल। जुलाई के आखिर में 12 से 18 साल के बच्चों को मिल सकती है वैक्सीन। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का उत्पादन किया। कंपनी ने गृह मंत्री से जून में 10 करोड़ डोज देने का वादा किया था। देश में पहली बार मेट्रो स्टेशन पर लगेगी वैक्सीन। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन परिसर में शुरू होगा टीकाकरण। देश में अब तक 32,17,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 64,25,893 वैक्सीन डोज दी गई है जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर कहा बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल का मोदी पर वैक्सीन वाले वार पर शहनवाज हुसैन का पलटवार। शहनवाज ने कहा राहुल और विपक्षी पार्टियां वैक्सीन को लेकर देश की जनता को भ्रमित कर रही हैं। राहुल गांधी के वैक्सीन पर दिए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश में सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं जबकि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले हैं उन राज्यों से यूपी आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।